मुझे क्या बदला है आगे। हालांकि कुछ लोग बच्चे बात करते हैं मुझे बीबीए में अच्छे नंबर लेने हैं, आगे एमबीए करना है या बीबीए एमसी करना है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात है कैरियर डेवलपमेंट, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है भाई ये कहां से आया। एक्चुअली ये है इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे पूछे ये इंपॉर्टेंट, पैसा कैसे आया, कहां से आया। जितनी मर्जी बड़ी बातें कर रहे हैं, जितना मर्जी फ्रेंड्स कर रहे हैं, नहीं हमारा बेटा तो बेटी अभी बहुत पढ़ेगी, इसे बहुत काम करना है, कोई चीज नहीं करता, अंदर से पूछो तनख्वाह कितनी मिलेगी, कहां नौकरी लगेगी। एक्चुअली मैं तो लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये सब बातों का ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा, एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद द बजट, ये मेरा है बात करने का तरीका। आई होप यू एग्री विद मी, क्योंकि पैसा कमाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी मस्ट है। सही से नोट करना चाहिए। मैं आपको एक समय में बताऊंगा, लेटेस्ट समय आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंडिया में रुपए कमाने की समस्या कम है, कमाए हुए रुपए को बचाकर रखने की समस्या है। आप मेरे को ध्यान तक कैसी बात करते हैं, हम तक माइंड लिया है। अरे बेटा मैं उनके नाम बता रहा हूं जो कमा के भी डूब रहे हैं, अनिल अंबानी, विजय माल्या, और जितनों की बैंकरप्सी हो चुकी है, राणा कपूर, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ये सब एमबीए सब अपने धुंधे रहे। राणा कपूर का क्या हुआ, ये सब ने मालिक था, बड़े अवार्ड जीते उन्होंने गवर्नेंस के, यस बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, 400 रुपए 450 रुपए गया था, अभी 10 रुपए आ गए थे, 28 रुपए हो गए। मैं ये दो चार बातें इसे बताना चाहता हूं कि जिन्होंने इससे समझ नहीं लिया, इसके एक एक वर्ड की कीमत है। अगर आपने लिटरेसी की लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं की, आपको फायदा नहीं होने वाला। विजय माल्या का क्या हुआ, जिसका टिक विषय था, ये सब बातें नाम सुनने में आपको लगता होगा कि नाम तो बता रहे बड़े आदमी, बड़े आदमी थे, अब नहीं है। उसका रीजन ये रहा कि इन्होंने पैसा कमाना तो उस तरीका सीखा, अभी मन भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा बचाने का गुण नहीं सीखा, और ये फंस के जान दी। उन्होंने बताया विजय माल्या जितना पैसा कमा के, राणा कपूर जितना बैंक बैलेंस जेल से बना के, आप डूब जाते हैं बिल्कुल, जेल में हो जाते हैं। दीवान हाउसिंग कॉर्पोरेशन, वधावन बंधु सब जेल में है। हिंदुस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट होम फाइनेंस कंपनी थी दीवान हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी के लगभग बराबर चलती थी। मैं इस हॉल में आपको ये बताने के लिए आया हूं कि भैया खाली कानूनी कार्रवाई पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, जब तक आप ये सुनेंगे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूं, क्यों आई हूं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव समझ जाएंगे, आप बात भी नहीं करेंगे, समय भी खराब नहीं करेंगे, न पेन से कुछ बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि यू आर क्लियर इन अबाउट योर ऑब्जेक्टिव। अब ये बजट हमें कैसे गाइड करेंगे, क्या मुझे सीखना है, ये बोलना है। प्लीज अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा सब बात। तो पहला लर्निंग ये है कीवर्ड कि ये हमें क्यों लर्न करना है, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू सेव इनकम।
हिंदुस्तान के 45,000 करोड़ नोट पे लिए अमाउंट, इट इज अनक्लेम्ड अमाउंट इन द बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंक में फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, एफडीआईज अनक्लेम्ड है, कोई लेने नहीं आया उनको, उनकी डेथ हो गई या घंटा नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, लोगों ने अपडेट नहीं कराया, उनके नॉमिनी से पता ही नहीं है कि उनको नॉमिनी जमा नहीं था। इंश्योरेंस नहीं ली कोविड में, कोविड में तो आपको पता है कितने रिलेटिव फ्रेंड्स की डेथ हुई होगी, 80% के पास इंश्योरेंस नहीं था, न मेडिकल इंश्योरेंस न लाइफ इंश्योरेंस। ये बजट ने ये गाइडेंस दी है कि प्लीज प्रिपेयर होम बजट एज वेल, अपने घर का बजट भी बनाए आप, अगर आप बजट नहीं बना के चलेंगे तो चांसेस आर यू विल लूज मनी इवन इफ यू आर अर्निंग मनी। क्या आप इधर से नहीं जानने में कि बजट कैसे हमारी मदद कर सकता है अर्निंग के अंदर एंड रिटेंशन एंड री इन्वेस्टमेंट, ये चार बहुत इंपोर्टेंट है कि हाउ टू आर हाउ टू सेव, सेव इसलिए कि स्पेंडिंग तो करनी है, और उसके बाद हाउ टू री इन्वेस्ट ऑफ इन्वेस्ट, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट लगातार नहीं करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी। मैं जो उन लोगों को छोड़ देता हूं जो स्पिरिचुअल है या जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्शन नहीं है, तो 99% लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल इनकम में फंसे होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि लोग हम सब लोग उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान के बजट की बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें ये हैं कि यहां पर स्टार्टअप चालू किया गया है, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म है, और बजट में सबसे इंपॉर्टेंट काम बताया हमको ये बताया है कि कलेक्शन ऑफ टैक्स मोर देन 36 लाख करोड़ है, जीएसटी और इनकम टैक्स मिलाकर। तो एक बजट किस प्रकार हमारी फाइनेंशियल लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है, ये कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बजट में आपको फिजिकल लिटरेसी या मैं जब फाइनेंशियल लिटरेसी बोल सकता हूं, ये बहुत जरूरी है। एक लेट अस डू अ सर्वे, देखिए हमारे यहां पर कितने बच्चों के पास पैन कार्ड है, हाथ खड़ा करें। ओह गुड, आई एम वेरी हैप्पी। याद रखिए जब तक एज ए प्रोफेशनल जब तक उसे को एडवाइस नहीं दिया मैं देता नहीं हूं, तो पासपोर्ट की बात मत कीजिए जब नहीं पूछा जाए। नेक्स्ट देखिए वो किन के पास पैन कार्ड नहीं है, हाथ खड़ा करें। वन, ओनली वन, टू, यस, आप बेटे खड़े होगी क्या पैन कार्ड के बारे में आपको पता है कुछ? एनीबडी एडवाइज यू, आपको किसी ने एडवाइज किया पैन कार्ड लेना चाहिए? क्या आप जानना चाहेंगे पैन कार्ड लेना चाहिए लेना चाहिए? यस, इनको माइक दे दो बोलने के लिए। Introduce yourself first. Yes.
खाली रोटी बताए कौन सी क्या आपको पैन कार्ड के बारे में कुछ जानकारी मिली जानकारी कोई है नहीं It contains a unique identification number, but that is necessary for the identification that the person is member of India. और अगर सर निकाल सकता हूँ तो इसमें फिर मैं हाईला
सामने पाया गया है कि पिछले गांव को तीनों कंटिन्यू रखा है 20 साल तक, उनको 1 करोड़ रुपए दावा कैसे मिले। लेकिन ये सर्वे है, एक्चुअल बात तो नहीं पता रही। लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट भी ये काम खोलकर छोड़ देते हैं तो आप 2 साल बाद 3 साल सर्विस करने जाएंगे तो ये 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में आपकी सैलरी मिल जाएगा। ओवर फायदा ये होगा कि आपकी अगली एज में ही ये 15 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो 50 साल के होंगे ना खोलेंगे तो 65 साल पूरे होंगे। तो बच्चे उनको मेरी एडवाइस ये सबको आप सबको क्या 500 रुपए से काम खोलकर छोड़ दीजिए। अगर रुपये जमा कराने का मन नहीं हो, रुपये कम भी हो, 500 से पहली बार समझाएं कि आपके खाते में रुपये जमा कराए, वो रुपये आपके हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है, उसके बिना नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, जो याद आपको स्टॉक मार्केट का अंदर क्या चल रहा है आजकल, वो NSE का इंडेक्स प्रेजेंटेशन पर बता सकते हैं NSE PSE का इंडेक्स कितना है? तो मोबाइल साफ करके बता सकते हैं ये बच्चों आपसे प्लीज
हमारे टीम से बोला, उसे लगा कि आप तो आगे बढ़ा दीजिए हमें। यस और नो? यस सर। तो मैं ये दो मिनट बताऊंगा, इसके बाद ये यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। दो मिनट में आपको बता रहा हूँ डीमैट के बारे में। आपकी परमिशन से बोल रहा हूँ, तो मेरा काम पूरा हो गया है। डी मैट का हम जो भी पैसे सेव करते हैं उस पर हमें ब्याज बहुत कम मिलता है। हमारी इच्छा ये है कि हम उससे अर्निंग ज्यादा करें, तो ज्यादा अर्निंग कैसे हो सकती है, मल्टीपल अर्निंग कैसे हो सकती है, अगले तीन मिनट में फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास बैंक अकाउंट में अकाउंट है, हर तरीके सेविंग भी आपने कर रखी है। तो मैं कहूँगा अगर आपसे 10-15 हज़ार रुपये की सेविंग हो जाए तो आप एक डीमैट अकाउंट खोले। डीमैट अकाउंट इज लाइक ए बैंक अकाउंट, जैसे रुपए जमा करने के लिए बैंक अकाउंट खोलते हैं, ऐसे डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और ये डीमैट अकाउंट खुलता है डीपी के पास, मैं डीपी का फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी इज ए ब्रांच ऑफ डिपॉजिटरी, जैसे बैंक के ब्रांच को ब्रांच बोलते हैं, ऐसे ही डिपॉजिटरी की कंपनी का जो ब्रांच होता है उसको हम डीपी बोलते हैं। हु कैन बी डीपी, हर किसी डीपी के पास हम जाए, कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, ये सब डीपी बन सकते हैं। आप बैंक अपने यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जीरोदा, इंडिया इंफोलाइन, इसका एक और एक टाटा की कंपनी है, अलंकित असाइनमेंट, यस, ये सारे लोग डीपी हैं। आप यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तीन चीजें जरूरी है। नंबर वन बैंक अकाउंट जो है, नंबर टू पैन कार्ड जो है, एंड थ्री ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खुलेगा, ब्रोकर शुड बी रजिस्टर्ड बाय सेबी, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई है, इंडियन इंफोलाइन है, नेपाल सिक्योरिटीज है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप सर्च करेंगे नियरेस्ट ब्रोकर में भी तो उसमें जाके काम करें। तो आपने एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक बैंक अकाउंट, तीन अकाउंट खोलने से आप ये काम चालू कर सकते हैं। एक मैं छोटी अफवाह देता हूँ शॉर्टकट, वो ये है, जैसा लोग टू मंथ थ्री मंथ का चलन चलता है ना, तो ये तीनों अकाउंट भी एक खोल सकते हैं, आईसीआईसी बैंक में और एसबीआई के अंदर। ये थ्री मंथ हो सकता है, जीरोधा में टू मंथ हो जाएगा, जीरोधा में आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुल जाएगा ऑनलाइन, बैंक अकाउंट का बदल दीजिए। मेरी राय रहेगी कि आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक जगह खोलें और बैंक अकाउंट सेपरेट रखें, कंट्रोल रहता है, ठीक रहता है। एंड नाउ इट इज अप यू, जब आपने मान लीजिए अपना बैंक अकाउंट है, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, अब तैयार है शेयर खरीदने के लिए। प्लीज इट वाज अ वंडरफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, वी हैव गेन ग्रेट नॉलेज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स हर्ष फ्रॉम बीबी ऑन द टॉपिक इकोनॉमिक्स। Which are involved in the tax payment liabilities in India to the government. The sector involves all the sectors and persons are required to pay the tax liability to the government. But agriculture sector is exempted for paying the tax liability to the government. There are some specified laws according to that. Now, individuals, Hindu unrelated families, companies, partnership firms, trusts, associations, non-resident entities, all they have to pay their taxes in the person section Act 231. Then we are coming towards hierarchy. What is the hierarchy of ITD, Income Tax Department? Government of India
then Finance Ministry, then CBDT, Central Board of Direct Taxation in India, then comes under ITD. Then we have this structure, a main structure, this lab rates, which is very important for all. सबको पता है कि इंडिया के अंदर सारे बंदे ये मतलब सोचते हैं कि यार टैक्स हमारे फिर एक लाइबिलिटी आ गई, फिर टेंशन आ गई, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. टैक्स इज ओनली फॉर योर वेलफेयर, टैक्स इज ओनली फॉर योर मेन मोटिव. लाइक गवर्नमेंट अगर टैक्स हमसे ले लिया ना तो उसका कोई मोटिव है, उसका मोटिव आपकी वेलफेयर के लिए है. हम देखते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट हमसे ले लिया नहीं, वो अमी पे इन्वेस्ट कर रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही है, हमारी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही है. सो स्लैब रेट्स Then we are coming up with deductions. Now, deductions should be meant in the section of laws. There are specified section of laws like deduction under section 30C, 30D, 30G, 30E and other section involves 24. Then the final roadmap, the bifurcation. As you all see, this is a list. Like total income up to this 3 lakh will be nil. Total income in the bracket of 3 lakhs to 5 lakhs will be awarded with 5% of income tax. And total income in the bracket of 5 to 10 lakhs will be awarded with 20% of excess of income tax. Then total income in the bracket or in above 10 lakh rupees will be assigned with the 30% of income tax. Then we are coming up with additions. What are the additional tables? Like if a person is, sir ne also kaha tha ki agar koi banda new region follow kar raha hai, to uske upar koi exemption allowed nahi hogi. There are certain rules and regulations on the new region. As you all see, an individual can opt for new alternative tax regime where tax rates are lower than the regular rates. However, few tax incentives are blocked. Then the conclusion is a moral responsibility for all citizens to pay the taxes on time and to avoid any penalties. Thank you so much. Next, Shiv from MBIB on the topic business. As of the latest project, the industrial outlay stands at a staggering 11,111 crore, that is a significant increase of 11.1% as compared to previous year. Right now, the industrial allocation constitutes of 3.4% of GDP, that signifies its potential for contributing the India's economy. This upward trajectory highlights its potential not only for the expansion but also highlights its attractiveness for the domestic and the international investment. These are the current state of the Indian major industry that were focused in the fiscal year 2024 budget. The manufacturing industry and the IT and software industry have developed significantly in the recent years and are known for their global presence. I can say that they are also the global leaders in these industries. The data for renewable energy is concerning as of now India is growing rapidly in growth and population and pollution with the limited resources. This year the motive of budget was harmony with nature, i.e. continuing developing with saving nature. In the manufacturing sector, particularly in the automobile, it is seen a significant growth of 6% in the demand of vehicles, and that is concerning as these vehicles play a significant role in the pollution. The government has promoted the electric vehicle ecosystem with solving the problem of manufacturing and charging hubs to ensure that the electric vehicle users can charge their vehicles whenever they want. In the IT sector, as I said, they are global leader. Now they are trying to step in the semiconductor sector because it has a global demand as the products we are using such as mobile, monitors, speakers, headphones are unable to function without it. In the renewable energy, to protect the nature, the government has invested about 60%
more than previous years, that is 10,000 crores in the solar panel, and assures the people to give, assures the public to give access in the areas where there is no electric connectivity. Also, they assure income of 15,000 to 18,000 annually, as the potential of solar panels is much more than the consumption of normal households. As of now, the growth sector for the industrial growth, these are the areas that is being focused in the Indian budget. The outsourcing of technology and innovation is being accepted, and the government has recently supported a lot of entrepreneurial classes that have been focusing in these industries. With the global integration in the defense production, they are making sure that the productivity is enhanced and we have enough surplus so that we can increase the exports and imports. In the skill enhancement, as per the report of NDTV, previous year there were 40% of MBA graduates that were unable to get a job, as they had the degree but they were not skilled enough to get a job. Government has introduced about 500 crores of budget for the skill enhancement to make sure these individuals have the proper skills to enhance their CVs and can get a job. Thank you. Good afternoon everyone, my name is Anu. I am from MBA Central. My topic is future of solar energy in India. Basically, a question arises, what is solar energy? Solar energy is nothing but an energy which we get from the solar as a raw material, and then we produce electricity, heat and etc. It is renewable and sustainable form of energy. Renewable means it is abundant and continuous source of energy, and sustainable means without compromising future need, we are using it in adequate amount in present. It involves harnessing the sun's energy through various technology. Solar panel convert sunlight into electricity using photovoltaic cells and concentrated solar radiostoration method. Also, the use of solar panel helps reduce dependence on fossil fuels. Let us talk about the advantages and disadvantages of solar energy. Benefits: solar energy is renewable and sustainable. It reduces the electricity bills. It is cost effective in the long run. And it reduces the dependency on fossil fuels, such as coal, natural gas, petroleum and etc. If it has benefits, it is obvious that it has some disadvantages also. Solar energy installation charge is quite high. In order to install it in first time, it will cost adequate and significant amount. Solar energy production is dependent on weather. It could be a matter of concern in the summer or winter, that its efficiency and effectivity get reduced by 2 to 4%. Large scale solar projects may require vast area of land. As we have seen in Karnataka, Pavgada solar parks approximately cover almost 13,000 acres of land in order to produce electricity by solar energy. The future of solar energy in India, as we all know that it is very vast area to work upon, and as solar energy has taken central stage in the recent Indian budget. As our finance minister Nirmala Sitharaman has allocated 10,000 crores, which is almost twice of last year. Our Prime Minister Narendra Modi's ambitious vision for the rooftop solar panels will provide 300 units of free electricity in almost 1 crore, and which will approximately save our 15,000 to 20,000 rupees. The significant announcement promises a bright future for India as well as for the world. Last summary. In the last 5 years, the country solar installation capacity has experienced a monumental transformation from 70 gigawatt to almost we are in the stage of achieving the 500 gigawatt by 2030. Thank you so much. Essential documents.
that shape our understanding of complex issues and influence decision-making processes. White paper and black paper. So let's first begin with understanding the basic concept of white paper. It provides comprehensive information, analysis, and proposals on a specific topic or issue. It also aims to inform decision-making processes, propose solutions, and present recommendations for action. It offers a detailed assessment of economic indicators, reforms, and their implications for various sectors. It is often produced by governments, organizations, and experts to shape the policies. Now, let's comprehend with the basic characteristics of white paper. It offers detailed and comprehensive information on a particular topic or an issue or a policy. It maintains an objective and a neutral tone, presenting information and analysis without strong opinion or biases. It may include proposals or recommendations for policy changes, initiatives, or reforms based on thorough understanding and analysis. Now, let's understand the basics of the black paper. It presents a critical or dissenting viewpoint on a particular topic, issue, and policy. It also challenges prevailing narratives, policies, and viewpoints, and also addresses controversial subjects. It also provides evidence and proposes alternative approaches. Furthermore, we will now comprehend the basic characteristics of a black paper. It involves critical analysis and evaluation of existing policies and practices. It expresses opposition or dissent, challenging prevailing narratives or perspectives. It often addresses controversial topics, offering alternatives, viewpoints, or interpretations. It relies on evidence, data, and logical arguments to support critical assessment and perspectives. Now let's focus on an example on better clarity of the concept. Recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman presented a white paper on the Indian economy in the Lok Sabha, which highlighted the policy misadventures and stance under the Congress-led UPA government's tenure in New York. In response to that, the Congress party has released a black paper which highlighted the failures of the current government and alleged that the last 10 years have been a period of injustice. Now to conclude this presentation, I would like to add that together, white paper and black paper form a spectrum of knowledge which enriches our understanding of the world and empowering and affect the positive change. Thank you. Thank you. So my topic is all about economy, and knowledge-based economy is what you earn, which depends upon what you learn. Let's talk about economy sectors and economy activities. Economy activities based on production of goods and services, but economy sectors based upon the economy activities. Economy sectors are divided on subtypes, and there are several types of sectors. But they have three types of major categories. First is ownership, second is working conditions, and third is the nature of the activity. In terms of ownership, we have five major sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector, quaternary sector, and quinary sector. Primary sector is a basic sector which talks about agriculture, fishing, mining. It's a sector which provides you raw material in terms of agriculture. It can be your mining, it can be your fisheries. Second, we have secondary sector, which is also known as the industrial sector, which takes raw materials into the production form, and it includes sugarcane production and mining, which quartz and fur. Third, we have the tertiary sector. It is also known as the service sector, which means where you have to take those raw materials in the finished products, now it is transported to the market. And it covers many sectors through the transportation, healthcare, hospitality, etc. Then we have the owner, instead of ownership, we have the category of organized and the unorganized sector. An organized sector is also known as employment sector, where the people have got employed, have the salaries in a perfect, in a regular way. But in the unorganized sector, we have unemployment as well as wages, labors, etc. Next, we have public and the private sector. Public sector is known as the government sector, where the private companies are the private limited industrialists. So public sector includes your government, coal productions, ONGCs, etc. But private companies known as to be many of MNCs, Amazon, Flipkart, etc. So these are the sectors which cover the maximum data, where the primary is just about few, but maximum is the secondary and the tertiary.
Thank you so much, Harish sir, for and the sir for the Harish sir for his certificate and the felicitate the students who have presented it. लेकिन
overall, the session was really very good, and we're really, really, really thankful to himself, sir, for the comments, knowledge that he provided to us. Once again, thanks a lot to himself, sir, and for all the colleagues and students. Now, I want to show you the question to say that.